नमस्ते, मैं हूँ अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल के तिरुविल्वामला में मोबाइल फोन के फटने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। दरअसल बच्ची फोन में वीडियो देख रही थी और तभी अचानक से बैटरी फट गई। बैटरी फटने के बाद बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई और उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 8 साल की मासूम बच्ची का नाम आदित्य श्री है और ये 3री कक्षा में पढ़ती थी। पुलिस मोबाइल के फटने के कारण का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। आपको बता दें कि मलयालम मनोरमा न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली बच्ची आदित्य श्री अशोक कुमार की बेटी थी। घटना के समय आदित्य श्री बहुत देर से मोबाइल पर लगातार वीडियो देख रही थी, जिससे मोबाइल फ़ोन गर्म हो गया था। माना जा रहा है कि इसी कारण बैटरी के ओवरहीट होने से उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय बच्ची अपने हाथ में मोबाइल लेकर चेहरे को स्क्रीन के बेहद करीब लाकर वीडियो देख रही थी। इसके चलते विस्फोट होते ही वो बुरी तरह घायल हो गई। उसके दाएं हाथ की उंगलियां टूट गई और हथेली जल गई। उसका चेहरा भी बुरी तरह झुलस चुका था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिस मोबाइल में विस्फोट हुआ है उसे 3 साल पहले आदित्य श्री के चाचा ने खरीदा था और उसके पिता को गिफ्ट किया था। पिछले साल फोन की बैटरी बदली गई थी। माना जा रहा है कि मोबाइल फोन में लोकल बैटरी डाल दी गई थी, जिससे वो फट गई और ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें, कुछ ही महीने पहले उज्जैन के बड़नगर से भी एक ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग के चीथड़े उड़ गए थे। आशंका है कि चार्जिंग पर लगे मोबाइल के फटने से उनकी जान चली गई। बुजुर्ग उनके खेत में बने कमरे में अकेले रहते थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनका सिर से सीना तक का हिस्सा उड़ा मिला। पुलिस ने आशंका जताई कि मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा होगा और तभी बुजुर्ग उसी हालत में उस फोन से बात कर रहे होंगे, जिसकी वजह से फोन फट गया और वो उसकी चपेट में आ गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है, तो ऐसे में सावधानी कैसे बरतें। सबसे पहले चार्जिंग पर लगाकर फोन को इस्तेमाल ना करें। फोन के बार बार गर्म होने का ध्यान रखें। बैटरी ओवरहीट होने का भी ध्यान रखना जरूरी है। सूरज की रोशनी के नीचे फोन को बिल्कुल भी चार्ज ना करें। फोन चार्जिंग करने से आप बचें। फोन को गर्म जगह पर बिल्कुल भी ना रखें, जैसे कि गैस के आसपास जैसी चीज़ों को आप वहां पर फोन को ना रखें। फोन को देर रात तक चार्जिंग पर लगाकर रखना भी खतरे से खाली नहीं होगा। तकिए, चादर या गद्दे के नीचे फोन को बिल्कुल भी ना रखें। कई लोग ऐसा कई बार करते हैं कि सोने के पहले अपने सर के नीचे, तकिए के नीचे फ़ोन को रख देते हैं, ताकि वो जब सुबह उठे, फ़ोन वाइब्रेट हो या अलार्म बजे, तो वो उस फ़ोन से उठ जाए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आप जब भी रात में सोएं तो फ़ोन को अपने से दूर रख कर के सोएं। ओवरहीट अगर फ़ोन हो रहा हो तो उसका भी ध्यान रखें। फ़ोन चार्जिंग पर लगा के बाद बिल्कुल भी ना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।